एक सवाल और आता है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, दलितों के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। जो कभी बाबा साहब आप अपना बताते थे अधिकार, अब प्रधानमंत्री मोदी अपना बता रहे हैं। उनका कहना है कि बाबा उनके अपने हो गए हैं। लंदन की बात करें, उनके घर की तो उन्होंने खरीद लिया, कांग्रेस कभी 60-70 सालों तक रही कभी नहीं खरीद पाई। इंदू मिल की जो जमीन थी मुंबई में वो उन्होंने खरीद ली, दिल्ली में म्यूजियम बना दिया। तो उनका यही दावा है कि अब बाबा साहब उनके हो गए हैं, फिर आपका क्या बचा? देखिए, बाबा साहब तो पूरे देश के थे, पूरे देश को संविधान दे करके गए, लोगों को अधिकार दे करके गए। तो आप मान रहे हैं पूरे देश में तो बीजेपी के भी उनको है? नहीं, बाबा साहब का तो कोई भारतीय जनता आरएसएस के तो सब पूरे देश में तो बीजेपी की मानसिकता, जिस मनुवादी मानसिकता को भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर के चलना चाहती उसके खिलाफ रहे। तो बाबा कभी उनके ना थे ना हो सकते। बाबा साहब अम्बेडकर जो है इस देश के थे, और मैं समझता हूं कि उनके साथ अगर किसी का तालमेल है विचारधारा के स्तर पर तो कांग्रेस पार्टी का है। और जो ये आपने कहा कि लंदन में उन्होंने वो घर खरीद लिया, इधर म्यूजियम बना दिया, उधर इंदू मिल, ये सारे प्रोसेस कब शुरू हुए? ये प्रोसेस सारे शुरू हुए जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी। वो प्रोसेस हम इस बात को जानते हैं। और ये आगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हम तेजी से चीजों को, जो दत्ता की सरकार यूपीए में रही कब नहीं हो पाया, और वो हमने ही किए हैं, हुए इनके टाइम में पूरे हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये इनके समय में हुए हैं ये पूरी तरीके से सरासर गलत। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने एक आरोप भी लगाया कि पार्लियामेंट में आप इतने सालों की सरकार में बाबा साहब की एक तस्वीर तक नहीं लगवा पाए। स्टैच्यू जो बस्ट है वो किसने लगवाया? क्या अमित शाह जी ने लगवाया? क्या नरेंद्र मोदी ने लगवाया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया? सेंट्रल हॉल में तमाम लोगों के नीचे खड़े होकर के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी अगर उसके खड़े नीचे हो जाएं तो उनको एहसास होगा कि कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया, गरीब के लिए क्या किया, और बाबा साहब का कितना मान सम्मान उन्होंने किया। तो इसलिए भारत रत्न की बात भी उन्होंने उठाई है। भारत रत्न, ये सारी चीजें ये केवल और केवल गुमराह करने का मैं समझता हूं कि एक हथकंडा उनका होता है। तो आप सच्चाई बता दीजिए, भारत रत्न कब मिला? सच्चाई नहीं, वो गुमराह कर रहे हैं आप। सच बता दीजिए, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय मिला, इसका मतलब ये नहीं कि सारा यानी आपकी सरकार नहीं दिलवा पाई। बाबा साहब को आज महात्मा गांधी जी को भारत रत्न मिला है क्या? यानी कि बाबा साहब को भी नहीं मिलना चाहिए था? नहीं, आप ये कह रहे हैं अगर महात्मा गांधी जी को नहीं मिला तो बाबा साहब को भी ना मिले, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हो चाहे वो महात्मा गांधी हो, ये अलग लीग के लोग हैं। ये अलग लीग के लोग हैं महात्मा गांधी से। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब को भी नहीं मिलना चाहिए, महात्मा गांधी को नहीं मिला। हम ये कह रहे हैं कि एक वो अलग क्लास थी, उन्होंने देश के लिए बहुत इतनी कुर्बानियां की, इतना उनका समर्पण था और इतना बड़ा योगदान है कि मैं समझता हूं कि भारत रत्न वो कांग्रेस की थिंकिंग थी कि ठीक है उसको हम एक बहुत बड़े लेवल पर देखते हैं। कुछ लोगों ने आकर के उसमें राजनीति करी। आज बाबा साहब हो चाहे वो हमारे हो, सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी जी, ये सारे देश के रत्न हैं, देश के महापुरुष हैं। उनका हम सम्मान करें, उनकी जो सोच थी उसको जमीन पर किस तरीके से उतारे ये हमारी सोच होनी चाहिए। केवल हम दिखा करके और उसको एनकैश करना चाहें उससे देश तरक्की नहीं करेगा, ना उससे लोगों का पेट भरेगा, ना उससे लोगों को सेटिस्फेक्शन होगा।